हाँ प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे मनुष्य के इतिहास बी और एडी में बांटी जाती हैं यह किसके कारण हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण है बी वो पीढ़ी है जिसमें लोग जाति के उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करते थे ए दी इन द एज ऑफ क्राइस उसमें तो परमेश्वर ने मनोजाति के उदारकर्ता को भेजा और मुक्ति को पूरा किया है बनाया है और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको उस मुक्ति को सचमुच में संत गिफ्ट के रूप में देते हैं इस तरह अंधग्रहा के पीरी हैं मेरे व्यक्तिगत जीवा भी इस तरह बिल्कुल हैं दो तो भाग में बांटा जाता है प्रभ ईश्वर को जाने से पहले का मेरा जीवन और प्रभु ईश्वर को जाने के बाद मेरा जीवन मुझसे से पापी से परमेश्वर ने प्रेम किया है और प्रभु ईश्व मेरे जीवा में आया और मुझको बचाया और जो आप मुझे देख रहे हैं वो उस आदमी से फरोगे जो 40 साल पहले प्रभु ईश को पाया है हमारे बीच में एक जो भाई है सचिन ये भी जो आप सचिन को देख रहे हैं ना वो वही पुराना सचिन नहीं है जो प्रभु ईश्व नहीं जानते थे हमने जान गए कि प्रभु ईश इश, के बारे में प्रभु ईश्वर से कैसे मुलाकात हुई उनकी उसके बारे में उनकी गवाही की वजह से अगर हम प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है प्रभु ईश्वर परिवर्तन लाता है पापी को परिवर्तित करके धर्मी बनाते हैं और परमेश्वर के शत्रु को परिवर्तित परिवर्तित करके परमेश्वर के संतन बनाते हैं और संसार के पीछे पीछे चलने वाले हवा को पकड़ने जैसे संसार के बिल्कुल ऐश के पीछे चलने वाले संसार के इंसान को बदल के सच में परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा के रूप में बना देते हैं प्रभु यीशु जी ने अंधों को आँखें दी थी प्रभु यीशु ने मुझ जैसे आत्मिक अंधों को भी आँखें दी ताकि मैं परमेश्वर के दर्शन पा सकूँ प्रभ से मिलिए प्रभु ईश्व सचमुच में परिवर्तित करेंगे प्रभु ईश्वर आपको आशीष दे हाल आज के वचन दूसरा कुरंतिय तीसरा अध्याय सोलह से लेकर 18 परंत जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है 2 Corinthians chapter 3, verses 16 to 18. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever increasing glory. विच कम्स फ्रॉम द लाउड इज द स्पीद ए मैन सौलाविंग पद परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा ये वजन बताते हैं कि मनुष्य के मन अगर प्रभु की ओर फिरता है तो उनके पर्दा हटा दिया जाएगा ये कौन सा पर्दा है आज्ञानता का पर्दा है अंधकार का पर्दा है अपराध का पर्दा है मृत्यु का पर्दा है यहाँ जो प्रापु कौन है किसको बताते हैं हम हर आराधना में तो इसकी से शुरू होते हैं वो प्रभु है वो प्रापु है बृद्धों में से जी उठाए वो प्रापु है प्रभु यीशु मसीह के बारे में है प्रपु यीशु ही प्रापु हैं ये बाइबल के शिक्षा है पहले क्रिंतियों आठवीं आद्याया पाँच और सात छः में इस तरह लिखा है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं तो भी सुनिएगा हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर हैं अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभु हैं अर्थात ईश मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं ये बाइबल के विश्वास से हम इस तरह विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर और कौन एक ही प्रभु है प्रभु ईशु मसीह प्रभु यीशु मसीह के बिना हम दूसरे को प्रभु नहीं मानते हैं ये बाइबल बताती हैं इसलिए प्रभु यीशु ही को प्रभु के रूप में मारने वाला ये विश्वास हमारे प्राण से भी उत्तम होता है ये वास्तव में आनंद जीवन है इसलिए शरीर जीवन को त्यागते हुए लोग इस विश्वास में दृढ़ रहते हैं शहीद हो जाते हैं दुख उठाते हैं प्रभु ईशु मसीह की तरफ आप फिरिएगा, प्रभु ईशु मसीह को मेरा मुक्तिदाता मेरा प्रभु मानिएगा तो आपके अंदर अख्ञानता बिल्कुल खयाब हो जाएगी और आप परमेश्वर को पुमांदर के स्वभाव को मनुष्य के बारे में पाप के बारे में धार्मिकता के बारे में मुक्ति के बारे में और मृत्यु के बाद अनंत जीवन के बारे में सच्चाई को अब जान जाएंगे उस सच्चाई के द्वारा आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाएंगे आलोई सत्राबिंग प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है यहाँ क्यों प्रभु यीशु को आत्मा कहते हैं क्योंकि प्रप ईश्व मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण के बाद उनके विश्वास के अंदर आ जाते हैं आत्मा के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में उनके अंदर वास करते हैं इसको समझने के लिए हम पहला कुंतियों पंद्रह अध्याय पैंतालीस को हम पढ़ें ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम यानी जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जीवन दायक आत्मा बना ये पद भी बताते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवन दायक आत्मा बना अनंत जीवन को देने वाले आत्मा के रूप में कहा मनुष्य पाप का दास है हमें क्यों प्रभु ईश्वर विश्वास करना है स्वतंत्रता पाने के लिए प्रभु ईशु मसीह के वचन की याद कीजिएगा युवाना आठ बत्तीस में कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और उसी किताब युवाना आठ छत्तीस में यह कहा कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे Then you will know the truth, and the truth will set you free. So, if the Son sets you free, you will be free indeed. Prabhu Ishu ko mritiu kabur mein nahi rakh sakhe. प्रप ईश्वर मृदु में से जी उठे हैं अभी आत्मा हैं और जीवनदायक आत्मा हैं वो हमें स्वतंत्रता देते हैं प्रप ईश्वर पर विश्वास कीजिए तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे सदा के लिए मृत्यु से पाप से अंधकार से शैतान से अज्ञानता से और सनातन के लिए सनातन काल के लिए जो दंडित होने से और सदा के लिए न्याय पाने से और आग की चिल में डाले जाने के सचा से आप स्वतंत्र हो जाएंगे हाँ अठारह पद परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं रोमियों तीन का तेईस में इस तरह लिखा है कि सबने पाप किया है इसलिए परमेश्वर की महिमा से राहित है फॉर ऑल हैव sinned एंड फॉर शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ ग इसका मतलब है कि हम कर्म करें या ख्याल प्राप्त करें या भक्ति बनाएं फिर भी हम परमेश्वर की महिमा के पास नहीं पहुंच सकते हैं परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं परमेश्वर का दर्शन नहीं पा सकते हैं क्योंकि पापी हैं सब पाम में गिर चुके हैं लेकिन आज के वचन क्या बोलते हैं ये बोलते हैं कि जो कोई प्रभ ईश्वर विश्वास करते हैं वो पर्दा हटा दिया जाता है आज्ञानता का पर्दा हटा दिया जाता है और प्रभ का आत्मा यानी पवित्र आत्मा उस विश्वास के अंदर वास करते हैं इसलिए तीर्थ यात्री बन के या कर्म करके ज्ञान प्राप्त करके भक्ति कमा के इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रभु ईश्वर विश्वास करेंगे परमेश्वर स्वयं उसी के अंदर आके सदा के लिए वास करते हैं हाँ ललू इसलिए प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वो पवित्र आत्मा के संग संग चलते हैं अपनी शरीर अभिलाषों के पीछे नहीं चलते हैं वरन प्रभु ईश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं अठारह पौध में प्रभु ईश्वर को आत्मा कहा तो प्रभु यीशु यानी आत्मा विश्वास के जीवन में क्या करते हैं ये करते हैं कि प्रभु यीशु उसी को उस व्यक्ति को अपनी समानता में महिमा में अंश अंश करके पदल डालते हैं हाल और प्रभु ईश्वर जो विश्वास करते हैं वे क्या करते हैं प्रभु ईश्व के महिमा को प्रतिबिंब करते हैं क्योंकि प्रभु ईश्वर उसी के अंदर रहते हैं वास करते हैं और दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु को जानते हैं उस उन उसकी समानता में बदल जाते हैं और परमेश्वर के दर्शन पाते हैं जो परमेश्वर के दर्शन पाते हैं उनकी महिमा को भी देखते हैं इसलिए परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु की महिमा उसी व्यक्ति के द्वारा प्रतिबिंबित हो जाते हैं हालेलुया हालेलुया परमेश्वर यही चाहते हैं आपको अपनी समानता में अपनी महिमा में सचमुच में परिवर्तित करना चाहते हैं हाल पर्दे के बारे में बाइबल के अंदर और जगहों में तो पता दिया गया है प्राणयम के किताब के अंदर बाइबल का यशाय की किताब 25 अध्याय सात से लेके नौ तक में पढ़ता हूँ और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है उसे वख यानी परमेश्वर इसी पर्वत पर नाश करेगा वह यानी परमेश्वर मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंस पहुँच डालेगा और अपनी प्रजा के नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है और उस समय यह कहा जाएगा देखो हमारा परमेश्वर यही है हम इसी की बात चौते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे यहोवा यही है हम उसकी बात जोते आए हैं हम उससे उधार पाकर मगन और आनंदित होंगे यह कहा गया कि यहुआ परमेश्वर मनुष्य के जाति पर पड़ा हुआ पर्दय को हटाएंगे हमारे आँखों से आंस पहुँचेंगे पोंच और मृत्यु को सदा के लिए नाश करेंगे और जातियों को बचाएंगे तो यशया नब की ये जो भविष्यवाणी कैसे उसकी पूर्ति हुई है करीब 700 साल के बाद यौवा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ईशु मसीह को मनुजाति के पाप के प्रश्न होने के लिए भेजा है प्रभु ईश्वर गया गारा गया, जी उठ मरकुश की तरफ पंद्रह अध्याय सैतीस से लेकर 38 अड़तीस में लिखा है प्रभु ईशु के मौत के बारे में तब ईशु ने बड़े शब्द से चलाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर दो टुकड़े हो गया इसराइल देश के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए एक मंदिर मंदिर बनाया गया था उसके अंदर पवित्र स्थान है और एक पर्दा है इसके बाद आगे परम पवित्र स्थान है इसमें जाके परमेश्वर से मिलते थे तो इसके बीच में जो पर्दा है बहुत बड़ा सा था जैसे लंबाई बाईस मीठ का और चौड़ाई करीब 11 मीटर का और इसकी मोटाई करीब 10 सेंटीमीटर का इतना मोटा था करीब बदतर जो मुड़ी हुई डोडियों से रस्सियों से बिल्कुल बना हुआ पर्दा था ये आराम से टूटने वाला नहीं था लेकिन क्या हो गया जब प्रभु ईश हमारे पाप के प्रश्न बना तो वो पर्दा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एकदम फट गया था इस खतना का अर्थ क्या है वो ये कि जो कोई पर विश्वास करते हैं उस विश्वास की वजह से परमेश्वर का वह परमेश्वर का जो चरणों में आ सकता है परमेश्वर के पास आ सकते हैं परमेश्वर का दर्शन पा सकते हैं इसके बारे में इब्राहियों की किताब दसवीं याद आया उन्नीस बीस में इस तरह लिखा है कि सोहे भाइयों जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्रष्टा में प्रवेश करने का हिब हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है मित्र प्रभ ईश्वर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के पास पहुंच सकेंगे हाँ ललो ये मानव के लिए नया और जीवता मार्ग है इसलिए प्रभ जी ने कहा कि अपने बारे में मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता युवा न चौदाह कक्षे में इस तरह उन्होंने कहा है। प्रभु ईश्वर के पास आइए आपका पर्दा हटा दिया जाएगा आपके अंदर जो अज्ञानता है वो बिल्कुल टूट जाएगी प्रभु ईश्वर विश्वास कीजिए आपके और परमेश्वर के बीच में जो पाप का दीवार ये भी हटा दिया जाएगा आप परमेश्वर का दर्शन पा सकेंगे और परमेश्वर ने हमारे लिए मुक्ति को तैयार की है हाँ ललो और वो मुक्ति अनुग्रह में सेंटमेंट देना चाहते हैं अगर आप विश्वास करेंगे प्रभु ईश्वर पर और परमेश्वर पर जैसे उस चेरसर मंदिर के जो बड़ा जो पर्दा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फट गया और परमेश्वर के पास जाने के लिए बिल्कुल रास्ता खुल गया वैसे ही प्रभु ईश्वमसी के पवित्र देह क्रूस पर आपके लिए फट गया ताकि आप और मानव जाति प्रभु ईश्वर विश्वास करके आनन्त जीवन पाएं पर का दर्शन पाए प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीषित करें हालेलुया आमेन